हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडेंडो और डिविडेंडो रूल के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो रूल है कंपाउंडेंडो और डिविडेंडो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता होना चाहिए ये सब रूल, क्योंकि ये हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में लगा सकते हैं, जैसे कि वो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत क्वेश्चंस में देखा कि वहाँ पर कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ आ रहा है। ठीक है, और भी हम बहुत सारी जगह इस रूल को पता हो हमें, तो हम इस रूल को लगा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें हम जो रेशोज होते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास दो रेशो है कि a बाई बी इज़ इक्वल्स टू c बाई डी। ठीक है, a बाई बी इज़ इक्वल्स टू c बाई डी। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों में वन को ऐड करें, ओके, सो हमें यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी बाय b इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाय डी। ठीक है, इस रूल को बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, नेक्स्ट हम वापस से आ जाएं, a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी हो, और अब हम प्लस वन की जगह माइनस वन करें, तो हमें यहाँ पर मिलेगा a माइनस बी बाय बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाय डी। ओके, इस रूल को बोलते हैं डिविडेंडो। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का रेशो लें, जैसे इसे इक्वेशन वन बोल दिया और इक्वेशन टू बोल दिया, और इनका रेशो लें हम, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए प्लस बी बाय बी अपॉन ए माइनस बी बाय बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी इक्वल्स टू अपॉन c माइनस डी बाय डी। ओके, सो यहाँ पर b और b कैंसल, यहाँ पर d और d कैंसल। ओके, सो हमें मिल रहा है a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। ओके, इसको कंबाइंड को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो रूल। ठीक है, इनको कंबाइंड में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। मतलब इफ a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और a प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू c प्लस डी बाई डी, इसे बोलेंगे कंपोनेंडो। एंड a माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी, इसको बोलेंगे डिविडेंडो। अब देखिए, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास गिवन है x प्लस वन अपॉन x माइनस वन इक्वल्स टू टू बाय थ्री। ओके, अब मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्टली लगाकर वैल्यू निकाल सकता हूँ x की। ओके, सो x प्लस वन प्लस x माइनस वन अपॉन x प्लस वन माइनस ऑफ x माइनस वन इक्वल्स टू टू प्लस थ्री अपॉन टू माइनस थ्री। ओके, सो यहाँ वन और माइनस वन कैंसिल, यहाँ पर टू एक्स बचा। नीचे हम सॉल्व करें इससे, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस वन, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल। ओके, सो टू एक्स बाई टू इक्वल्स टू फाइव बाय माइनस वन। ओके, यहाँ टू से टू कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई है माइनस फाइव के बराबर। ओके, सो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से अब हम डायरेक्टली अगर निकालना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू। ओके, और इसे हम आगे सॉल्व करें, तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू माइनस थ्री, और हमें यहाँ पर मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस फाइव। ओके, सो इससे भी हम देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वही आंसर आ रहा है, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी वही आंसर आ रहा है। ओके, सो ये जो रूल है वो बहुत जगह यूज़ में होता है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या होता है। ओके, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.